खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणतंत्र दिवस से पहले बरवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बरवाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ 4 बदमाशों को गांव मतलोडा से गिरफ्तार किया। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग अभियान के चलते पुलिस को मुखबरी मिली कि भारी मात्रा में मध्य प्रदेश से हथियार लाए गए हैं। मुखबरी की सूचना के हिसाब से बरवाड़ा पुलिस ने गांव मतलोडा में छापा मारा। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि बरवाड़ा पुलिस ने 6 असले और 12 मैगजीन बरामद की है। उन्होंने बताया यह हथियार मध्य प्रदेश से खरीदे गए हैं। उन्होंने हरियाणा की अलग अलग इलाकों में पहुँचाया जाना था, लेकिन अलग अलग इलाकों में पहुंचाए जाने से पहले बरवाड़ा पुलिस ने हथियारों सहित 4 बदमाशों को काबू कर लिया। पकड़े गए हथियारों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। K9 मीडिया के लिए बरवाड़ा से कपिल मेहता की रिपोर्ट। 26 जनवरी पे हमारा अभियान चल रहा है और ऊपर से दिशा निर्देश भी है एसपी साहब की तरफ से और ज्यादा ज्यादा असला पकड़ने के लिए, तो इस हम 26 जनवरी की वजह से जगह जगह नाकाबंदी कर रहे हैं और तलाशी अभियान भी चला रखे हमने। तो हमारा एंटी व्हीकल थेफ्ट है ये हिसाब से है, उसमें नर्सी इंचार्ज लगा रखे हैं सब इंस्पेक्टर और उनके स्टाफ ने मिलके उनको सूचना मिली, मुखबरी मिली भाई भारी मात्रा में हथियार मतलोडा गांव में आया हुआ है, जिस पर हमारे इन्होंने अपनी मुखबरी के हिसाब से वहाँ पर रेड की तो गाड़ी के अंदर 3 बंदे गाड़ी के अंदर बैठे थे, एक गाड़ी के पास खड़ा था तो उस गाड़ी के बाहर खड़ा था, उनकी तलाशी ली और अंदर बैठे उनकी तलाशी ली, वो भागने कोशिश करने लगे, उनको काबू किए, काबू करके तलाशी ली। बाहर वाले जो बंदा खड़ा था उसके पास एक असला, बाकी अंदर बैठे थे उनके पास 2-2 असले मिले और एक के पास एक असला, तो टोटल 6 असले मिले हैं और 12 मैगजीन मिली है, तो एक असले के 2-2 मैगजीन है और 3 रोंद बरामद हुए। ये MP से लेके मध्य प्रदेश से और 3 बंदे गए थे वहाँ से लेने के लिए और अभी ये लेके आए थे, आते ही हमने सूचना मिल गई थी और पकड़। आपका नाम और आपका नाम और मैं संजय कुमार, DSP परवाला।